कन्हैया कुमार को प्रचार के दौरान व्यक्ति ने थप्पड़ मारा। माला पहनाने के बहाने आया था कन्हैया के समर्थकों ने हमलावर की पिटाई की। दिल्ली के नॉर्थ सीट से कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के प्रत्याशी कन्हैया कुमार के साथ चुनाव प्रचार के दौरान मारपीट का मामला सामने आया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक व्यक्ति कन्हैया कुमार को माला पहनाने के बहाने आया और थप्पड़ मारना शुरू कर दिया। कन्हैया के समर्थकों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान हमलावर को काफी चोटें आई हैं। हालांकि कन्हैया कुमार सुरक्षित हैं। घटना के दौरान आम आदमी पार्टी की महिला पार्षद छाया शर्मा से भी हाथापाई की गई। इसी लेकर छाया ने पुलिस थाने में शिकायत की है। आपके ऑफिस पहुंचे थे तभी घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्हैया कुमार को शुक्रवार को प्रचार के लिए न्यू उस्मानपुर में आम आदमी पार्टी के ऑफिस पहुँचे थे। मीटिंग पूरी होने के बाद वे आप पार्षद छाया के साथ नीचे आए। इस दौरान कई लोग नारेबाजी करते हुए कन्हैया के पास पहुंच गए। इन्हीं में से एक शख्स माला पहनाने के दौरान कन्हैया को थप्पड़ मार दिए। इसके बाद लोगों ने कन्हैया को काले झंडे दिखाते हुए गो बैक के नारे लगाए। कन्हैया ने मनोज तिवारी पर लगाया हमला करवाने का आरोप। इस घटना के बाद कन्हैया कुमार वहां पर कार पर चढ़कर लोगों को ललकारने लगे। कन्हैया ने भाजपा उम्मीदवार मनोज तिवारी पर चुनाव हारने के कारण उनसे डरकर अपने ऊपर गुंडे भेजकर हमला करने का आरोप लगाया। कन्हैया ने कहा कि भाजपा 400 पार नहीं लोकतंत्र को खत्म करने की तैयारी कर रही है। हमारा मुकाबला अन्याय से है। मैं डरने वाला नहीं हूं। आरोपी बोला टुकड़े टुकड़े का नारा लगाने वाले को सजा दी। कन्हैया पर हमला करने वाले शख्स ने एक वीडियो जारी कर कहा कि कन्हैया ने देश के खिलाफ नारे लगाए थे जिसकी वजह से वे नाराज थे। उसने कहा कि कन्हैया ने भारत तेरे टुकड़े होंगे अफजल तेरे कातिल जिंदा है हम शर्मिंदा हैं जैसे नारे लगाए थे। आज हमने उसके मुंह पर चांटा देकर जवाब दिया है कि भारत के टुकड़े कोई नहीं कर सकता है जब तक हमारे जैसे सनातनी शेर जिंदा है। दक्ष कुमार मंदिर में जूते पहनकर घुसने पर गिरफ्तार हो चुका। दिल्ली में इंडिया अलायंस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर शुक्रवार को कैंपेन के दौरान हमला करने वाला दक्ष कुमार गाजियाबाद का रहने वाला है। वो कुछ दिनों पहले जूते लेकर मस्जिद के अंदर घुस गया था। इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हुई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।